कई साल पहले एक अनजान देश में एक शूरवीर राजकुमार हुआ करता था। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक मुझे ही लेकर घूमोगे? बाल पकने से पहले कुछ सोचो अपने बारे में। उसकी शूरता से राजा रानी बेहद खुश थे, मगर चिंता की एक बात थी कि राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार को कोई भी राजकन्या पसंद नहीं आती थी। राजा रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी होते थे। इस पर उपाय निकालने के लिए राजा उस देश के सबसे महान योगी के पास जाता है। गुरुजी, मैं राजकुमार के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। उसे कोई राजकन्या पसंद ही नहीं आ रही। अब आप ही बताओ, उसे उसकी जीवन साथी कब और कैसे मिलेगी? उसके जीवन में सृष्टि की सबसे सुंदर राजकुमारी आने वाली है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बरसों पहले एक दयालु राजा अपने रानी के साथ राज्य कर रहा था। वो राजा अपने राज्य के प्रजा का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखता। सब कुछ कुशल मंगल था। और इसी बीच रानी ने एक खूबसूरत नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। चारों ओर खुशी ही खुशी झूम उठी। राजा के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने पूरे राज्य के लिए दावत का ऐलान किया। राज्य के सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किए गए, जिसमें परियां भी शामिल थी। 12 निमंत्रित परियां बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आगे आई। सृष्टि की सारी सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरा वरदान है कि तुम हमेशा खुश रहो, उदासी तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम्हें साहस का वरदान देती हूँ, ईमानदारी, उदारता, प्रेम, स्वास्थ्य। हर एक परी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही थी। जैसे ही 12वीं परी आशीर्वाद देने आगे आई, अचानक पूरा महल काले धुएं से भर गया। धुआं हट जाने के बाद एक काली और दुष्ट परी प्रकट हुई। राजा ने उसे निमंत्रित ना करने की वजह से वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैं देख रही हूँ कि यहाँ राज्य से मेरे सिवा हर कोई आमंत्रित है। क्योंकि मैं काली हूँ और तुम्हारी बच्ची गोरी और सुंदर है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस नन्ही राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी। एक अनोखा उपहार इसे मैं देना चाहती हूँ। ये राजकुमारी सबसे प्यार और प्रशंसा से पलेगी, बढ़ेगी, पर अपने आयु के 15 वर्ष में चरखे की सुई खुद को चुबा लेगी और मर जाएगी। उस चुड़ैल को पकड़ो। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अंतिम परी फिर से सामने आई और अपना वरदान बच्ची को देने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें मिले शाप को उलट तो नहीं सकती, पर मैं उसे थोड़ा कम करने में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। ये राजकुमारी 15 साल में नहीं मरेगी, पर वो 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। तुम्हारे इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। परी माँ, हम हमारे बच्चे की शादी होते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी ये इच्छा नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि 100 साल तक जी पाना संभव नहीं है। कृपया ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम उसका विवाह देख सकें। ठीक है। राजकुमारी के सोने के बाद जो कोई इस महल में उपस्थित होंगे, वो सभी गहरे नींद में सो जाएंगे और 100 साल बाद जग जाएंगे।
लेकिन वो राजकुमारी तभी उठ पाएगी जब कोई खूबसूरत और दिलेर राजा उसे छुएगा। धन्यवाद परी माँ। परी के आशीर्वाद से हर कोई राहत की सांस ले रहा था, पर उस काली परी के शाप का जादू कहीं न कहीं मौजूद था। अपनी बच्ची के चिंता के प्रति राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य की सभी चरखों को जला दिया जाए। राजकुमारी अब बड़ी हो रही थी। वरदान प्राप्त राजकुमारी से सभी लोग बहुत प्यार करते थे। साल गुजरते गए और अंत में राजकुमारी की 15वीं सालगिरह आ गई। उसकी इस सालगिरह पर पूरा राज्य सजाया गया। सबके लिए एक महान दावत का आयोजन किया था। उस दिन महल में और राज्य में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर दूसरे ही दिन रानी के राज्य से खबर आई कि रानी की माँ बहुत बीमार है। रानी ने अपने मनपसंद दासी को बुलाया और राजकुमारी के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और राजा और रानी पिता के राज्य की ओर चल पड़े। ओह, इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज तक नहीं देखी। उड़ती हुई तितली का पीछा करते करते राजकुमारी एक अनजान गुंबज में आ पहुंची। सुनिए दादी माँ, क्या आपने उस सुनहरी तितली को देखा जो अभी अभी उड़ के अंदर आई? मुझे पता नहीं। वो क्या चीज है जो इतनी तेजी से घूम रही है? ये सूत काटने का चरखा है, क्या तुम आजमाना चाहोगे? हाँ जरूर दादी माँ, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। राजकुमारी चरखा अपने हाथ से चलाने लगी, तभी अचानक राजकुमारी के उंगली में चरखे की नोक चुभ गई। काले परी की दुष्ट भविष्यवाणी सच हो गई। राजकुमारी गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। अब तुम्हारे माँ बाप को अच्छा सबक मिलेगा जिन्होंने काली परी का अपमान किया था। यहाँ दासी को राजकुमारी कहीं नजर नहीं आई तो वो घबरा गई। उसने राजकुमारी को ढूंढना शुरू किया। महल की हर जगह दासी ने राजकुमारी को ढूंढा, लेकिन राजकुमारी नजर नहीं आई। राजा रानी जब वापस लौटे तब उन्हें इस बात का पता चला। वो दोनों डर गए। राजकुमारी को पूरे राज्य में ढूंढने का आदेश दिया गया। राजा खुद भी हर जगह अपने बेटी को ढूंढने लगा। आखिर वो उस कुंभज में आ पहुंचे। वह चरखे के पास राजकुमारी को पड़ा देखते ही राजा रोने लगा। मेरी बेटी, ये तुम्हें क्या हुआ? वो भविष्यवाणी आखिर सच हो गई, हमने तुम्हें अगले 100 साल के लिए खो दिया है। चलो जल्दी महल जाकर उस राजकुमार के लिए हमारी बेटी को तैयार करते हैं। राजा ने सभी परियों को उसकी मदद के लिए बुलाया। सब परियों ने मिलकर राजकुमारी को सुंदर वस्त्र पहनाए। उन्होंने राजकुमारी के पलंग को सुंदर फूलों से सजाया। राजकुमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। परी ने मंत्र जाप शुरू किया। ओ देवता, ये तुम्हारी बच्ची जो सोई हुई है, जब वो नींद के 100 साल पूरे कर लेगी तब आप प्रेम के प्रतीक को भेजना और इनका जीवन खुशी से भर देना। चलो हम सब अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। परियां महल से चली गई। सभी दरवाजे बंद हो गए। परियों ने फिर एक बार सुरक्षा मंत्र पढ़े। एक एक करके सभी गतिहीन हो गए। महल में मौजूद हर कोई गहरी नींद में सो गया। भट्टी में जो आग सुलग रही थी वो भी शांत हो गई। घोड़े अपनी जगह, पंछी अपनी जगह सो गए। अचानक से काले बादल छा गए, बारिश गिरने लगी। देखते देखते पूरा महल पत्तों से ढक गया। कुछ साल बाद कई राजकुमारों ने अंदर जाने की कोशिश भी की, मगर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। कुछ राजकुमार अपनी जान तक गवा बैठे। राजकुमार, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक सुंदर राजकन्या आने वाली है।
लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ पिताजी, पर उस राजकुमारी का नाम क्या है? सब उसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। उस राजकुमार की खुशनसीबी से उस दौर में 100 साल पूरे होने को थे। राजकुमार किले के आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि हर कोई सोया है, गतिहीन है। उसने सभी सिपाहियों के दिल की धड़कनें जांची। हैं? इस राज्य में सब लोग कहीं भी सोते हैं क्या? चलो शुक्र है, ये सब अभी भी जिंदा है। उसने महल के अंदर प्रवेश किया। राजा और रानी भी अपने सिंहासन पर सोए हुए थे। राजकुमार को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसने राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया। राजकुमारी गहरी नींद में सोई थी। राजकुमार उसे देखकर दंग रह गया। आओ बस, अब यही राजकुमारी हमें चाहिए। मैं आपको कुवारा मरा हुआ नहीं देख सकता। वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लग रहा है कि मेरे हर एक युद्ध की ये जीत है। वाह रे मेरे शेर। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और तुरंत ही वो शाप टूट गया। राजकुमारी नींद से जाग उठी। राज्य में हर कोई जो सोया था वो जाग गया। राजा रानी, सिपाही, घोड़े सब जाग उठे। मैं इतने सालों से तुम्हारा सपना देख रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे बचाने आखिर आ ही गए। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अवश्य, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो। मैं अभी आया। वो दोनों दरबार में आए जहाँ हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। सबने तालियां बजाई और नए दाम्पत्य का स्वागत किया। राजकुमारी के पिता ने राजकुमार के घर वालों को न्योता भेजा। मेरी प्यारी बच्ची, आखिर इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिल ही गया। ये हमारे राज्य के इतिहास में एक यादगार दिन है और आज इस सुनहरे दिन पर मैं अपने बेटी और इस राजकुमार के विवाह की घोषणा कर रहा हूँ।